वो सफर में गुंबदे खज़रा नजर में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर ऑफिस होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन की नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। और जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं यार, बिलखसूस इस टाइम बीमारों के लिए शिफा के लिए दुआ करें सभी हजरात। इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है तो सबके लिए दुआ करें। ये गुनाहगार भी दुआ कर रहा है, आप लोग भी दुआ करें, हर बीमार भाई बहन के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे मोमिन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला अजलता फरमाए। तो मेरे अजीज़ एक बात बता दूं, मैं शहाब भाई के ताल्लुक से कल एक भाई की कमेंट आई, उन्होंने कहा कि शहाब भाई को पाकिस्तान वीज़ा कभी नहीं देगा। जी हाँ, शहाब भाई को पाकिस्तान वीज़ा नहीं देगा, तो उनसे कह दो वापसी चले जाएँ। भाई ऐसा क्यों सोचते हैं यार, अच्छी सोच रखें मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपके मन में आया तो आपने लिख के भेज दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये दुआ करते रहें कि जब वीज़े का मामला मैंने फ़ोन किया था गफ्फार भाई को, उन्होंने बताया था कि वीज़ा तो हो गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई हैं, वो पूरी हो जाएंगी तो उनका सफ़र शुरू हो जाएगा। तो सफ़र के ताल्लुक से मैं आपको एक कलाम सुनाने वाला हूँ आज। अल्हम्दुलिल्लाह तो शहाब भाई के सफ़र के ताल्लुक से ही आज मैं कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पसंद आने वाला है, बहुत प्यारा कलाम है। तो मेरा आपसे कहना है सिर्फ यही छोटी सी गुजारिश है कि नमाज का ख्याल रखें, अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की इज्जत करें, छोटों पर शफक्कत करें, बड़ों की इज्जत करें, किसी का दिल ना दुखाएँ, लोगों से आजिज़ी के साथ में पेश आएँ और अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये आज मेरे पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मैंने चेंज नहीं किया है, मेरा अपना खुद का ओरिजिनल बैकग्राउंड है। आज मैं आपको नाज शरीफ सुनाऊँगा इसी बैकग्राउंड के साथ में इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, करना कुछ नहीं है, आप मुझसे जुड़ जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे कलाम, वजीफे, अमल, शाह भाई की लोकेशन बेहतरीन इंशाल्लाह ताला, अच्छे तरीके से सही तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा और राइट मिलेगा। आप जानते हैं बखूबी आपका ये भाई कभी झूठ नहीं बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। शहाब भाई के ताल्लुक से भी जो राइट लोकेशन होती है, जो सच्ची खबर होती है, जो सच्ची अपडेट होती है, सिर्फ और सिर्फ मैं वही बताता हूँ, ना कि मैं इधर उधर की बात नहीं करता मेरे अजीज़ों। क्योंकि कुछ सुना उसमें बड़ा चढ़ा करके कह दिया, जो कमेंट आई थी तो मैंने उसी के ताल्लुक से आपको बस ये दो बातें बताई हैं कि ऐसी निगेटिव सोच ना रखें मेरे भाई, आप अच्छी सोच रखें। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, आप लोग बस दुआ करें। देखिए उनके लिए भी दुआ करें जो जाने के लिए मक्का मदीना तड़प रहे हैं, मालो जर नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, नमाज की दावत भी मैं आपको देता हूं, नमाज पढ़ने शुरू कर दो अगर जो भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं तो। इतनी बरकतें मिलेंगी, इतनी बरकतें मिलेंगी ना यार, तुमसे संभाल ही नहीं जाएंगी। बाखुदा अल्लाह जानता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरे चेहरे पर दाढ़ी देख रहे हैं ना आप, हाँ ये दाढ़ी देख रहे हैं, ये जो दाढ़ी देख रहे हैं, ये दाढ़ी दो साल, ये दाढ़ी मुबारक माशाल्लाह, ये सुन्नत रसूल है, ये दो साल पहले नहीं थी, ये लिबास दो साल पहले ऐसा नहीं था। दो साल पहले मैं पैंट शर्ट पहनता था, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं मौलाना नहीं हूँ, लेकिन मुझे नाज शरीफ पढ़ने का बाखुदा बहुत शौक है और मैं उसी को लेकर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। नाज शरीफ की बरकत से, नाज शरीफ का नबी की नात का सदका है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों की दुआएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5 लाख का परिवार होने वाला है बहुत जल्दी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, अच्छे अच्छे कलाम सुनते रहें, वजीफे अमल भी सुनते रहें। शहाब भाई का मसला यही है कि अभी वो रुके हुए ही हैं, अगर उनका सफ़र शुरू होता है तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जैसे ही सफ़र शुरू होगा उनका, तुरंत इंशाल्लाह आपको अपने चैनल पर हम दिखा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलिए आज का जो कलाम है बड़ा प्यारा कलाम है, सफ़र के ताल्लुक से ही कलाम है, तो इस कलाम को पूरा सुन करके जाएं और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता दें कि आपको ये कलाम कैसा लगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चलिए कलाम सुनते हैं। मैं हूँ सफर में गुंबद
گنبدِ خضرا نظر میں ہے۔ کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے جائے تھوڑی خاک وہ ان کے آستانے سے، تو رحمت ہاں رحمت رسول، اگر تیرے گھر میں خاک در رسول، اگر تیرے گھر میں ہے میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے۔ اٹھی جو ان کی انگلی تو کیا کیا نہ کر دیا، سورج کو پھیرا چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اس کا نشان آج بھی اس کا نشان آج بھی، ارے دیکھو کمر میں ہے اس کا نشان آج بھی، دیکھو کمر میں ہے میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے، خضرا نظر میں ہے۔ اور سن کہ ریشم ریشم سی ہے بزائے، ریشم سی ہے ہوائے فضا ہے، جیسے خلد لگتا ہے جیسے خلد میری ہر ڈگر میں ہے، لگتا ہے جیسے خلد میری ہر ڈگر میں ہے، ہاں میں ہوں سفر خضرا نظر میں ہے، پھولوں کی سیج میری ہر ایک رہ گزر میں ہے، ہاں میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے۔ جہاں میں اونچی ہے
شام و سحر میں ہے پھیلا ہوا جو نور یہ شام و سحر میں ہے اور میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے خضرا نظر میں ہے تو میرے عزیزو کیسا لگا کلام؟ میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے. شہاب بھائی آپ کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے الحمدللہ. آپ سفر میں ہیں لیکن آپ کی نظروں میں گنبد خضرا ہونا چاہیے ماشاءاللہ. اور جناب کتنے ایسے عاشق رسول ہیں تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے. خواب میں مکہ مدینہ کی زیارت ہو گئی. کتنے تو ایسے ہیں جنہیں خواب میں ہی مکہ اور مدینہ کی زیارت ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم مدینہ میں ٹہل رہے ہیں مکے میں ٹہل رہے ہیں. اے ہائے اللہ ان کے ان خوابوں کو پورا کرتے ہیں اور جو تڑپ رہے جانے کے لیے سب کو مکہ مدینہ دکھا دے. میں ہوں سفر میں گنبد خضرا نظر میں ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. چلیے ان شاء اللہ تعالیٰ تو ملتا ہوں کل صبح 10 بجے نئے کلام کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ایک نیا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لے کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے چینل سے جڑ جائیں, سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کا بٹن دبا دیں اور آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی. مجھ سے جڑ جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کلام سننے کے لیے ملتے رہیں گے, وظیفے ملتے رہیں گے, ان شاء اللہ عمل ملتے رہیں گے اور شہاب بھائی کی لوکیشن بھی ملتی رہے گی ان شاء اللہ. فی الحال شہاب بھائی کی لوکیشن ابھی وہی ہے. اگر وہ آگے ان کا سفر چالو ہوتا ہے اور ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں اور سبھی کے لیے دعا کرتے رہیں. نماز کا خیال رکھ کے والدین کی عزت کریں الحمدللہ, اور میرا بھی خیال رکھ کے پہلی بار چینل پر آئے ہوں آخر تک ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں. تو چلیے ملتا ہوں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیں.